राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत दिव्यांग जनों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए शुक्रवार को सीतापुर स्थित सीआरसी के सभागार में एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने दिव्यांग जनों को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सकों के सलाह के बाद ही दिव्यांग जन वाहन को चलाएं। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों का ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। आरटीओ कार्यालय में दिव्यांग जनों को दिए जाने वाली सुविधाओं के संबंध में बताते हुए अनीता सिंह ने कहा कि संभागीय परिवहन कार्यालय पर दिव्यांग जनों के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है, जिससे कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई कार्य करवाने में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर जिला दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी विनय सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल, यात्री कर अधिकारी इरशाद अली, कुमारी श्वेता गुप्ता, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रथम एसपी श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी और दिव्यांग जन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने कहा, और इसकी आवश्यकता भी है क्योंकि सेवाएं तभी नीचे तक पहुंचती है जब विभाग का कोई आला अधिकारी सर को आभार व्यक्त करता हूं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहां पर मंच पर आसीन श्रीमती अनीता सिंह मैडम से निवेदन करता हूं कि मैडम आप आए। थैंक यू। आज हुआ है और यहाँ पर आप लोगों को थोड़े बहुत नियम कानून बताने आए हैं। सबसे पहले मैं तो यहाँ पे मंच पे आसीन दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी श्री निधन सिंह का, दिव्य सिंह जी का, एआरटीओ में श्यामलाल जी हैं, एसपी श्रीवास्तव जी, टीचर इरशाद अली, श्वेता गुप्ता और यहाँ पे सीआरसी के समन्वयक अधिकारी। मैं सबसे पहले सीआरसी जो क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्निवास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र के संचालक समन्वयक अधिकारी उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने बहुत कम समय में, हमने कल ही इनसे सिर्फ बात की थी, और उन्होंने बहुत कम समय में यहाँ पे आप लोगों को इकट्ठा किया। मैं यहाँ के टीचर्स का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने बच्चों को बहुत अच्छे व्यवस्थित ढंग से बहुत ही डिसिप्लिन वे में यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है और बच्चे बहुत ही पेशेंटली सुन रहे हैं। इट मीन्स आप लोगों की ट्रेनिंग काफी ज्यादा सख्त है कि बच्चे बहुत डिसिप्लिन में है यहाँ पे। हम जिस विभाग से आए हैं उस विभाग में 16 साल से ऊपर के बच्चों का ही लाइसेंस बनता है, उससे कम बच्चों का नहीं बनता है। लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत स्पेशल बच्चे हैं और बहुत स्पेशल हैं हमारे लिए, और हम उनको अगर अभी ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कुछ भी नियम बताएंगे तो अभी वो समझ नहीं पाएंगे और बोर हो जाएंगे। इसके लिए मैं सिर्फ उनके पेरेंट्स से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप उनका बहुत ध्यान रखिए, और जब वो 16 साल के उम्र के हो जाएंगे और 18 साल में हो जाएंगे तो उनके लिए लाइसेंस हम लोग के लिए स्पेशल प्रोविजन है, उसका हम आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देते हैं कि आपको अभी भी जो परिवहन विभाग लाइसेंस जो भी इशू कर रहा है वो अब ऑनलाइन आवेदन के थ्रू कर रहा है। हम दिव्यांगजन बच्चों के लिए भी अलग से काउंटर बनाते हैं कि वो आए और उनको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, बट उनके लिए शर्त ये है कि उनके पास एक इनवैलिड कैरेज होता है, उन स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशली मॉडिफाइड व्हीकल होती है। जैसे अगर स्कूटी है तो अगर किसी बच्चे का के पैर में कुछ दिव्यांगता है तो उसको मॉडिफाइड करके डीलर ही देता है, और स्पेशली वो अपने प्रपत्र में लिख के देता है कि ये इनवैलिड कैरेज है। पहले तो वो गाड़ी होनी उस बच्चे के पास जरूरी है, आगे पीछे वाले पहिए में दो पहिया लगा देते हैं वो लोग और एक प्रपत्र प्रस्तुत कर देते हैं जिसमें वो लिखते हैं ये इनवैलिड कैरेज है। तब वो बच्चा आप ऑनलाइन आवेदन करेगा और आएगा हमारे पास, उसमें फिर हम इनवैलिड कैरेज के रूप में उनको
लाइसेंस पहले दे देते हैं और उस गाड़ी को उनको दिखाना होगा कि उनके पास है स्पेशली मॉडिफाइड व्हीकल है जिसको वो चलाएंगे, क्योंकि गियर की गाड़ी यूजफुल नहीं होगी चलाने के लिए, इसलिए इनवैलिड कैरिज का होना बहुत जरूरी है। तो विस्तृत कवरेज के लिए अब आए हैं हमारे डीएड एमडी के जो स्टूडेंट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, सहयोग किया है, उन सभी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू। आज सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत हम लोग यहां पे सीआरसी में आए हुए हैं दिव्यांगजन बच्चों के बीच में। ये ऐसे स्पेशल बच्चे हैं जिनको अपने ही अधिकारों के बारे में, अपने ही नियम कानून के बारे में जानकारी नहीं है। एक पार्ट हम परिवहन विभाग भी है जो उनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करता है। बहुत सारे बच्चे हमारे ऑफिस में भी आते हैं और हमसे वैसे भी फ़ोन पे भी बात होती है कि वो लोग पूछते हैं हमारे ड्राइविंग लाइसेंस की क्या प्रक्रिया है, क्या नहीं है। तो यहाँ पे सीआरसी में जो केंद्र है, पुनर्निवास दिव्यांगजन पुनर्निवास केंद्र है, वहाँ के टीचर्स की भी कई क्वेरीज थी और बच्चों की भी कई क्वेरीज थी। उनको हम ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में कि कैसे हम उनके ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर सकते हैं उसकी जानकारी देने हम लोग यहाँ पे आए हैं। और सीआरसी के टीचर्स के पास भी बहुत सारी जानकारियाँ नहीं उपलब्ध थी कि बच्चों को कैसे वो अपनी सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं, उनकी भी जानकारी हमारे पूरे परिवहन विभाग की तरफ से आज उनको दी गई है।